हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई, गेम में एक नई चीज़ आई है, समनर शोडाउन 2020। अब कुछ नया आए तो नई वीडियो आनी तो बनती है, तो इसीलिए मैं नई वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने, आप लोगों को एक्सप्लेन करने। बेसिकली सब अगर कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ समनर शोडाउन को लेके तो डिटेल में बात करने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पहले लेवल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। आपका लेवल जो है वो 60 होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको गेम में केवला टाइटल आपके पास होना चाहिए, यानी कि स्टोरी क्वेस्ट का एक्ट 6 चैप्टर 1 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं है आपका लेवल 60 नहीं है, या फिर केवलर का टाइटल नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। एक दूसरी चीज़ है, एक दूसरा इवेंट है आपके लिए, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। फिर ये होगा क्या इसमें, बेसिकली इस इवेंट में तीन जो हैं वो पार्ट्स हैं। सबसे पहला है क्वालिफायर्स। तो क्वालिफायर्स में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है अगर लेवल 60 है और केवलर टाइटल है। तो जो बंदे क्वालिफायर्स जीतेंगे हो जाएंगे सेमीफाइनल्स में, जो सेमीफाइनल्स जीतेंगे हो जाएंगे फाइनल्स में, और फिर हमें कोई एक विनर मिलेगा। तो कब से शुरू होंगे क्वालिफायर्स? क्वालिफायर्स जो है शुरू होंगे, ये होंगे मंडे 17 अगस्त से 10 AM PDT, यानी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 10:30 11 बजे रात के ये शुरू होंगे। पूरा एक हफ्ता मिलेगा हमें एक बॉस को हराने के लिए। वीक 1 में सिल्वर सर्फर को हराना है क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल्स के लिए। वीक 2 में मार्वल को हराना है, कैप्टन मार्वल जो मूवी वाली है। और वीक 3 में आयरन मैन को हराना है इन्फिनिटी वॉर। तो इसमें एक पूरा हफ्ता है, एक पूरा हफ्ता में मिलेगा 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, जिसमें आप सिल्वर सर्फर को हरा सकते हैं और कितनी बार भी आप कोशिश कर सकते हैं। और इसकी दो डिफिकल्टी आएंगी, हो सकता है एक थोड़ी ईजी हो एक थोड़ी टफ हो, और इसमें कोई एनर्जी हमारी नहीं लगने वाली है। अब एक हफ्ता में मिलेगा, बार बार हम कोशिश कर सकते हैं, जितनी बार चाहें कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि सिर्फ 4-स्टार चैंपियन ही लेके जा सकते हैं इनके अगेंस्ट, यानी कि 4-स्टार चैंपियन से ही अगर आप हराएंगे तभी आपका जो स्कोर है वो काउंट होगा। और आप कोई बूस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही कोई कंज्यूमेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपका जो टाइम है ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए जो पहला वीक 1 का बॉस है सिल्वर सर्फर है, बार बार ट्राई करके, क्योंकि एक हफ्ता है, काफ़ी ज़्यादा बंदे हरा देंगे। मान लीजिए 1,000 बंदों ने सिल्वर सर्फर हरा दिया, तो फिर उनमें से किसी एक को कैसे चुना जाएगा? तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। सबसे पहले तो बॉस हेल्थ है। बॉस हेल्थ अगर मतलब कोई भी बॉस को नहीं हरा पाया तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हेल्थ किसने कम की उसको चुना जाएगा। अगर काफ़ी बंदे बॉस को हरा देते हैं तो फिर देखा जाएगा हिट्स टेकन, यानी कि हमारे चैंपियन ने कितने हिट लिए हैं, यानी कि सिल्वर सर्फर ने हमारे चैंपियन को कोई हिट दिया है या नहीं। अगर हिट दिया है तो आप बाहर हैं मतलब। और फिर है फाइट ड्यूरेशन, फिर फाइट की ड्यूरेशन देखी जाएंगी मिनट्स और सेकेंड में कि किसने कितना जल्दी हराया है। और फिर डैमेज पर सेकेंड, अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो फिर डैमेज पर सेकेंड के हिसाब से स्कोर मतलब कैलकुलेट किया जाएगा। और सिर्फ एक बंदा लिया जाएगा हर हफ्ते। एक जोन, इन्होंने अलग अलग जोन बनाए हुए हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग, उसमें से एक ही बंदा लिया जाएगा। तो भाई, ये बात तो हो गई शोडाउन डिफिकल्टी की। लेकिन अगर आप लेवल 60 नहीं है या फिर केवला टाइटल आपके पास नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, अब उसकी बात कर लेते हैं। शॉप डिफिकल्टी आपको मिलेगी, एपिक रिवॉर्ड से कह रहे हैं कि इसमें एपिक रिवॉर्ड्स होंगे। तो इसमें होगा क्या बेसिकली, इसमें भी हमें वही बॉस हराने हैं। वीक 1 में सिल्वर सर्फर हराना है, वीक 2 में कैप्टन मार्वल, वीक 3 में आयरन मैन। लेकिन हमें इसमें रिवॉर्ड्स मिलेगा, हराने के रिवॉर्ड मिलेंगे, 5 लाख गोल्ड मिलेगा हर हफ्ते, और 3,000 के 5-स्टार क्रिस्टल शार्ट मिलेंगे। और अगर हम इन तीनों को हरा देते हैं तो आखिरी में हमें 6,000 के 5-स्टार क्रिस्टल शार्ट मिलेंगे, यानी कि टोटल 15,000 5-स्टार के क्रिस्टल शार्ट मिलेंगे, और 5, 10, 15, 20 लाख यहाँ हमें गोल्ड मिलने वाला है। तो भाई, रिवॉर्ड देख के खुशी होगी होगी आपको, काफी खुश हो गए होंगे। खुश मत होइए भाई, खुश मत होइए, क्यों ना होइए खुश, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिवॉर्ड शोडाउन डिफिकल्टी के। तो शोडाउन डिफिकल्टी के प्राइस आपको दिखा देता हूँ। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, सिर्फ क्वालिफाई की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक तो टी शर्ट मिलेगी, किसी को फर्क नहीं पड़ता टी शर्ट वीशर्ट से। एक मिलेगा 6-स्टार चैंपियन ऑफ प्लेयर्स चॉइस, यानी कि जो आप चाहेंगे वो 6-स्टार आपको मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि वो बेसिक पूल में होना चाहिए, 6-स्टार के क्रिस्टल में, जो बेसिक 6-स्टार का क्रिस्टल होता है 10,000 वाला, उसमें होना चाहिए वो। जो आप बोलोगे, आपकी फरमाइश जो होगी जिस चैंपियन की, वो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। कोई बात नहीं, दुख हो रहा है ना, अब और थोड़ा और सुनो भाई, थोड़ा और सुनो। अभी होगा क्या, एक 6-स्टार का जेनेरिक 1-2 मिलेगा, ये कुछ खास नहीं है। साथ ही साथ एक iPhone 10 यहाँ पे मिलेगा। हुआ दुख, थोड़ा और ज्यादा दुख हुआ, अभी सुनते रहो भाई। बाकी ये सारी जो चीजें हैं, माइक वगैरह है, इसमें कुछ
स्टैंड वगैरह हैं ये बेसिकली दिए जाएंगे, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद फिर हो सकता है ऑनलाइन रिकॉर्ड वगैरह करनी पड़ी या फिर लाइव जो है सेमीफाइनल हो सकता है लाइव कराया जाए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, कहीं फिजिकल नहीं होगा तो ऑनलाइन होगा, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं ताकि आपको सहूलियत हो। तो यहाँ पे बेसिकली कितने 1500 US dollars के रिवॉर्ड आपको मिलेंगे अगर आप क्वालिफायर्स जीत जाते हैं। तो चलिए क्वालिफायर्स की बात हो गई, अगर आप क्वालिफायर जीत गए आप चले गए सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में जीत गए तो एक 6 स्टार का अवेकनिंग जेम मिलेगा, 40 जो है सिग्नेचर स्टोन्स मिलेंगे, और फंटेस्टिक फाइनलिस्ट का एक गेम टाइटल मिलेगा। कुछ खास नहीं है ये भी, US dollars यहाँ पे 0 है। अब बात करते हैं अगर आप फाइनल भी जीत जाते हैं, क्योंकि ये तो कोई एक बंदा ही जीतने वाला है, तो एक 6 स्टार का रैंक 2 टू रैंक 3 जो मैक्स रैंक है 6 स्टार के लिए, उसका एक जेनेरिक रैंक अप चैंक मिलेगा, और एक सिग्नेचर स्टोन मिलेगा जो मैक्स कर देगा, यानी कि आपके सिग्नेचर स्टोन जो मिलेगा ये टोटल आपके प्लेयर की जिसपे भी आप यूज करेंगे चैंपियन पे उसकी सिग्नेचर एबिलिटी मैक्स हो जाएगी। एक अल्टीमेट वर्ल्ड समनर का टाइटल मिलेगा, एक समनर शोडाउन की ट्रॉफी मिलेगी, यानी कि टोटल, और यहाँ पे इन्होंने $5,000 का प्राइस जो है वो फाइनल यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। $5,000 का मतलब कितना, अगर हम 75 रुपीज से कन्वर्ट करें तो कितना बैठता है, 50,000 साथ में 35, यानी कि 3 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए का यहाँ पे फाइनल जीतने में प्राइज मिल रहा है। तो भाई कुछ दिक्कत हो रही है जो लेवल 60 नहीं है और केवला टाइटल जिनके पास नहीं है अभी तक, तो सिर्फ वही दुखी हो रहे होंगे, लेकिन अब बाकी लोगों के भी दुखी होने का टाइम आ गया है। क्यों आ गया है मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि भाई इसमें जो इन्होंने डिवाइड किए हैं जोन, अमेरिका, यूरोप और एशिया, उसमें इंडिया है ही नहीं, यानी कि अगर आप इंडिया के प्लेयर हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते समनर शोडाउन 2020 में। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत ज़्यादा एक तरह से इंसल्ट है इंडिया के प्लेयर्स की। अब इसमें क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। मैंने एक बार सोचा कि शायद हो सकता है थोड़ा यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई हो, इसी वजह से मैं FAQ में भी गया, और FAQ में भी मैंने वहाँ पे जो है पूरा डिटेल में इसको पढ़ा है, और यहाँ पे इन्होंने हर कंट्री दी हुई है कि सिर्फ इन्हीं कंट्री के रेजिडेंट रेजिडेंस जो हैं, जो रहने वाले हैं इन कंट्रीज के, सिर्फ वो ही एंट्री कर सकते हैं और बाकी वॉइड है एल्सवेयर, यानी कि अगर आप इन कंट्रीज में नहीं हैं तो आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, यानी कि इंडियन प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। एक तरह से इस इंसल्ट को क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, बस आप इतना कर सकते हैं कि काबम के जो पेजेस हैं, ट्विटर अगर आप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, काबम हर जगह है, वहां पे जाइए, हैशटैग चलाइए कि रेस्पेक्ट इंडियन प्लेयर्स या इन्वॉल्व इंडियन प्लेयर्स, आप जो भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वहां पे जाके, सिर्फ एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। रिवॉर्ड्स आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड हैं। बाकी 3 जोन में से हर एक एक प्लेयर चुना जाएगा, और एक प्लेयर अगर एक हफ्ते में चुना गया तो वो अगले हफ्ते नहीं चुना जाएगा। कुल मिला के यही सब चीज़ें हैं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका बचता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी क्या कर सकते हैं यार इंडियन प्लेयर्स के लिए, या फिर आसपास के जो प्लेयर्स हैं जैसे कि पाकिस्तान के प्लेयर हो गए, बांग्लादेश के हो गए, क्योंकि ये भी काफ़ी चैनल पे हमारे एक्टिव रहते हैं, वो भी नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते, तो एक तरह से हमारे लिए तो बिल्कुल बकवास ही चीज़ है। तो कमेंट करिए, आप अपने विचार कमेंट करिए, बाकी आपसे मिलता है अगले वीडियो में गाइस, जय हिंद।